नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। वाराणसी के पांडेपुर से पीएम मोदी का मेगा रोड शो हुआ शुरू। महात्मा गांधी विद्यापीठ पर जाकर होगा खत्म। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के सातवें और अंतिम चरण के लिए आखिरी दौर में पहुंचा चुनाव प्रचार। सोनभद्र रैली में राहुल ने कहा, मैं और अखिलेश 5 साल में बदल देंगे उत्तर प्रदेश की तकदीर। युवाओं को रोजगार और किसानों की मदद मेरी पहली प्राथमिकता। गायत्री प्रजापति के कैबिनेट में बने रहने पर राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मांगा जवाब। कहा, रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति अब भी आपकी कैबिनेट में है क्यों? यूपी पुलिस ने प्रजापति के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिली खुशखबरी। सरकार जनवरी से बढ़ाकर देगी महंगाई भत्ता। 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ। बैंगलोर टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बनाई 48 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर बनाए 237 रन। शॉन मार्श ने 66 रन और मैट रेनशॉ ने खेली 60 रनों की अर्धशतकीय पारी। और मलेशिया सरकार ने उत्तर कोरियाई राजदूत कांग चोल को देश से निकाला। मलेशिया के विदेश मंत्री अनीफा अमान ने नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का दिया आदेश। कांग चोल ने किम जोंग नम की हत्या पर मलेशिया सरकार पर लगाए थे गंभीर आरोप। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ आई खबरें लगातार।